स्टेट काउंटर्स पर भी रखनी है नजर, और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है स्पेशली मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट काउंटर्स पर रखी नजर, बट पूरे सेक्टर के लिए भी एक इंटरेस्टिंग डेटा आ रहा है। अरमान ने कुछ रिसर्च तैयार करी। अरमान, ऐसा पता चल रहा है रिसेंट डेटा देखकर कि मुंबई में तो घर ही नहीं बिक रहे, ये क्या डेटा बता रहा है? एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे अभी का, अगर जो आप करंटली अगर आप डेटा देखेंगे तो टोटल जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगभग 3.6 लाख जो है यूनिट्स है वो अनसोल्ड इन्वेंट्री, अगर आप वाईओवाई आधार पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 30% के आसपास बढ़कर आई है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो इन्वेंट्री का डेटा है ये उच्चतम स्तर पर आता हुआ दिखा है। तो एक रीजन तो क्या है, क्योंकि एक्चुअली में इतनी अगर ज्यादा इन्वेंट्री है मतलब या घर बिक नहीं रहे। अगर आप मुंबई में क्लासिफिकेशन देखेंगे एरिया वाइज भी अगर आप बात करें तो वेस्टर्न सबअर्ब की बात करें तो वाईओवाई आधार पर वहां पर जो इन्वेंट्री है वो लगभग 27 से 30% के आसपास बढ़ी है। वहीं अगर आप सेंट्रल सबअर्ब की बात करें तो वहां पर 77% के आसपास की जो है इन्वेंट्री बढ़कर आती हुई दिखी है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे लगातार जो है यहां पर ये जो इन्वेंट्री का पाइलअप होता जा रहा है, तो जो मुंबई फोकस्ड जो कंपनियां हैं जिसमें आप बात करेंगे कीस्टोन रियल्टी की, ओबरॉय रियल्टी, इंडिया बुल्स रियल इस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर्स, कोल्टे पाटिल, हो सकता है आने वाला समय इन लोगों के लिए दिक्कत का आता वर्गे। उसके साथ साथ अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो एक चीज और क्लियर है, क्योंकि जो अब ले ऑफ की खबरें जो लगातार आपको आती हुई दिख रही है, जो आईटी कंपनीज में लगातार ले ऑफ होते जा रहे हैं, उसके लिए एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी तो है ही सही। और उसी के साथ साथ एनालिस्ट ये भी मान रहे हैं कि अगर आप जैसे जो ब्याज दर है वो लगातार जो बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से जो प्रॉपर्टी की प्राइजेस है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी जगह फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी भी बढ़ती जा रही है ले ऑफ के चलते, तो हो सकता है कि ये जो अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑलरेडी जो पाइलअप हो चुकी है और कहीं समय लग सकता है शायद ये जो इन्वेंट्री पूरी है इसको खत्म होने में, क्योंकि ऑलरेडी अनसर्टेनिटी है और रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल इसलिए जो मुंबई फोकस कंपनी है उनके लिए शायद हो सकता है थोड़ी दिक्कत की बात। चोपड़ा साहब कैसे देखें सर इस डेटा को? वैसे तो एक तरफ रियल एस्टेट बूम की बात हो रही थी स्पेशली कोविड के बाद, बट अनसोल्ड इन्वेंट्री रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर है, तो घर बिक रहे हैं या नहीं सर? दीप, एक मोटी चीज हमें समझनी चाहिए कि जो होम लोन पे इंटरेस्ट रेट 6.1 और 6% तक भी कुछ मैंने देखे कि होम लोन ऑफर हो रहा था, वो बढ़ के अभी करीब करीब 9-9.5% तक चला गया, और जो एनबीएफसी है वो थोड़ा सा और ज्यादा चार्ज कर रही हैं। तो जो भी रियल एस्टेट बिकता है खास करके फ्लैट्स, मुझे लगता है कि उसमें काफी अच्छी खासी प्रतिशत जो होती है वो लोन लेते हैं बैंकों से और एनबीएफसी से, और अभी जो है लोन की जो दर है वो बढ़ गई है, प्रॉपर्टी के रेट्स भी बढ़ गए हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लल आ गया है या बहुत दिक्कत है, ये सिर्फ आप बॉम्बे की बात कर रहे हैं, मगर थोड़ा मुझे लग रहा है स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं है कि एकदम खत्म हो गया है, रियल एस्टेट चल ही नहीं रहा है, मगर हाँ थोड़ा सा स्लो डाउन है। और इसका एक मेजर रीजन मुझे लगता है वो इंटरेस्ट रेट्स है, क्योंकि जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं चाहे वो ऑटो हो, रियल एस्टेट हो, इनका बहुत डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। तो अगर जहां पर भी अब जैसे हम सब बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो रहे हैं या मैक्सिमम यहां से कोई 25 पैसा हो सकता है कि आगे बढ़े या ना भी बढ़े, तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज होकर गिरना शुरू होंगे मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर दोबारा से हरियाली की ओर चलेगा। और इसमें जो दिग्गज खिलाड़ी हैं जो भी मेरे हिसाब से गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय रियलिटी है, ये अच्छा करना चाहिए। तो इसमें जब भी इंटरेस्ट रेट्स गिरना शुरू होंगे तब हम रियल एस्टेट सेक्टर में एंटर करेंगे, मगर जो मैंने जो नाम बोले हैं गोदरेज है, डीएलएफ है, ओबरॉय रियलिटी है, शोभा है, ये कंपनीज बहुत अच्छा करेंगे। चलिए तो अब इंटरेस्ट रेट्स गिरने का इंतजार रहेगा, बट इन्वेंट्री बढ़ रही है ये काफी इंटरेस्टिंग व्यू आया है। हालांकि आज रियल एस्टेट एज अ बास्केट होल्ड आउट कर रहा है कमजोर बाजार में, ये स्टॉक्स हैं जो थोड़े एक्शन में, ओबरॉय रियल्टी भी पॉजिटिव में दिख रहा था, उतने खराब आज नहीं है रियल एस्टेट, नहीं अच्छे, मैक्रोटेक भी थोड़ी देर पहले अच्छा माने जाएंगे दीप, और डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े थोड़े सुधरे, खत्म हो गया, दिखाओ ना पुतिन साहब।